गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। चलिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक अब आपका आ गया है। हम आज क्या क्या कवर करेंगे इस वीडियो में देख लीजिए आप। ये पार्ट थ्री है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, पार्ट थर्ड। पार्ट टू में, पार्ट वन में क्या क्या था? पार्ट वन में केवल हमने आपको थ्योरी बताई थी, समझाया था। पार्ट टू में क्या बताया था? हमने चार्ज बताया था, टाइप्स ऑफ चार्ज बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बताया था, कंडक्टर इंसुलेटर बताया था, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज बताया था। पार्ट थर्ड में आपको पढ़ना है क्वांटाइजेशन चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। ठीक है, हो सकता है कि आपके फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो हम उठाए हैं इसमें 15-10-12 पार्ट बने। आप इसके लिए परेशान मत होइएगा, हम छोटे छोटे पार्ट बना रहे हैं ताकि ना तो आपको देखने में बोरिंग लगे ना हमें अपलोड करने में कोई दिक्कत हो, जो आसानी से आप तक आ जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। अगर आप थ्योरी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं लिखना चाहते तो कोई बात ही नहीं। क्वांटाइजेशन का मतलब समझें आप, द क्वांटाइजेशन मीन्स दैट चार्ज कैन एग्जिस्ट ओनली एज इंटरनल नंबर, इंटरनल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब कि जैसे किसी एलिमेंट, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमें पता करना है इस पर टोटल कितने चार्ज हैं। अगर उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दिया गया तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इस पर इतना चार्ज होगा। मान लिया कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। क्लियर ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7 होंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 7 होंगे, इसमें चार्ज कितना होगा? 7 × 1.6 × 10⁻¹⁹ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। मतलब यहां एम क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹। क्लियर। क्वांटाइजेशन का मतलब हम इसकी डिफिनेशन ऐसे ही बता सकते हैं, द टोटल चार्ज ऑफ एनी एलिमेंट, द टोटल चार्ज एट एनी एलिमेंट, द टोटल चार्ज एट एनी एलिमेंट इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, ठीक। चलिए इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, समझिएगा इसको, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट है आप इसको क्वांटाइज कर सकते हैं। अब इसके न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आगे ढेर सारे आपको। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब यहाँ पर हुआ, आपने डिफिनेशन पढ़ी तो होगी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब क्या? द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स दैट कैन आइसोलेटेड सिस्टम। ना तो चार्ज को हम नेक्स्ट नष्ट कर सकते हैं, मतलब ना तो हम चार्ज को लॉस कर सकते हैं ना ही गेन कर सकते हैं। केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या करते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। आइसोलेटेड, समझना ना, मतलब कोई मतलब नहीं है इसका, हमें बाहर से अंदर, अंदर से बाहर का कोई मतलब नहीं है। हम उत्पन्न करेंगे ना खत्म करेंगे, केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में किसी न किसी प्रोसेस से ट्रांसफर करेंगे बस, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। अब देखिए, चार्ज और मास दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा, क्लियर। समझे पहला, सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो होता है चार्ज ऑन ए बॉडी मे बी। चार्ज क्या? चार्ज आपका हो सकता है पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, बट जो मास है आपका वो केवल पॉजिटिव होता है, ठीक। सेकेंड, सॉरी, हाँ क्लियर, फर्स्ट ना, सेकेंड क्या है? चार्ज आपका जो होता है, चार्ज वो क्वांटाइज्ड होता है। अभी आपने देखा ना, मतलब उसकी वैल्यू होल नंबर में क्रिएट होती है, लेकिन जो मास होता है, मास वो अनक्वांटाइज्ड होता है। सॉरी जी, क्लियर, यहां तक की प्रॉब्लम। मतलब चार्ज का क्वांटाइजेशन कर सकते हैं हम, लेकिन मास का नहीं कर सकते। कैसे? जैसे मान लो किसी नंबर पर दिया है कि इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो इतने चार्ज होंगे, लेकिन मास में ऐसा कुछ नहीं है कि इतने ढेर होंगे, इतने पार्टिकल होंगे, इतना मास होगा, ये होगा तो ये होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तीसरा पार्ट है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, कोई भी दो चार्ज हैं और उनके बीच में अगर कोई फोर्स लगेगा तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक, या इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स।
और लगा के, लेकिन अगर मास है ये चार्ज के लिए है, लेकिन मास के बीच अगर फोर्स लगेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। दूसरा थर्ड बात, ठीक है, चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, स्पीड चाहे घटे चाहे बढ़े। अब यहां यहां से समझना, ये मैटर थोड़ा गड़बड़ है। देखिए इसका मतलब है कि ऑलवेज डज नॉट चेंज विथ मोशन ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी का मोशन हो रहा हो, स्पीड का मतलब है नहीं कि चार्ज ना चल रहा हो, कोई बॉडी है इसमें चार्ज है, अगर वो मूव कर रही है तो उससे चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना चार्ज कम होगा ना ज्यादा होगा, ना चार्ज की वैल्यू घटेगी ना बढ़ेगी। बात समझ रहे, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो जितनी जितना चार्ज मूव करने से पहले था उतना चार्ज मूव करने के बाद होगा, क्योंकि बॉडी से मूव करने से चार्ज थोड़ी मूव करेगा, चार्ज तो दूसरी बात होती है। लेकिन मास डिपेंड ऑन स्पीड, डिपेंड ऑन स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और उस समय उसका मास लेंगे तो उसको हम कहेंगे रेस्ट मास, लेकिन अगर वो चलने लगा तो उसका मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि मास स्पीड पर डिपेंड करता है। इतनी बात कंफर्म हुई, यहां तक कोई प्रॉब्लम? बस इतने टॉपिक आपके लिए ना, और डिफरेंस देखना चाहे आप लिख सकते हैं, चार्ज की यूनिट कोलम होती है, मास की केजी होती है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा चार्जिंग बाई बॉडी, किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे करते हैं और कितने मेथड होते हैं इसे चार्ज करने के। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।